हाँ जी, देखिए तो मेरी बगिया में कितने खूबसूरत, इतने कलरफुल फूल कैसे खिलते हैं, इसके बारे में आपसे बताना चाहती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या करती हूँ ऐसा कि हमेशा फूल खिले रहते हैं और सुंदर कलर में खिले रहते हैं और कोई कीड़े भी नहीं लगते इसमें। क्या केयर करती हूँ, क्या डालती हूँ, वो आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से, और बताएं कैसे हैं आप। मैं यहाँ ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, आज मैं बहुत ही अच्छी कंपोस्ट शेयर कर रही हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने संतरे के छिलके दिखा रही हूँ, बहुत सारे। रोज़ हम लोग ये विंटर सीज़न में संतरा खाते हैं, यानी कि ऑरेंज, और उसके छिलके यूं ही फेंक देते हैं। तो मैंने छिलके लिए हैं और सबको सुखा लेती हूँ। रोज़ रोज़ मैं वो एक टोकरी में रख देती हूँ धूप में, और वो सूखते रहते हैं। तो संतरों के छिलकों को सुखा लिया है, और यहाँ पे मैंने लिए हैं एग शेल, यानी आप अंडा बॉईल करते हो उसका शेल ले सकते हो, आपके घर में नहीं होता है बाजू वाले से ले सकते हो। तो उन शेल को भी आप धूप में एकदम अच्छे से सुखा दें। तो ज़्यादा बॉयल एग के जो होते हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि उसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आती है। तो ये भी लिया है। और चाय पत्ती हम रोज़ यूज़ करते हैं, चाय पत्ती को धो के मैं रोज़ पेपर पे डाल देती हूँ और वो सूखती रहती है। तो इस तरह से मैंने तीनों चीज़ों को सुखा लिया है। और ऑरेंज के छिलकों को देखिए, मैंने यहाँ पे पीस लिया है ग्राइंडर में डाल के, ये पाउडर बन गया है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। और इसमें अभी देखिए मैंने एग शेल का भी पाउडर बना लिया है, और एग शेल का एकदम बारीक पाउडर चूने जैसा बन चुका है, और इसको भी मैं इसमें मिला रही हूँ ऑरेंज में। आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग पीस के रख सकते हैं, और जब ही डालना है तो उस वक्त आप उस हिसाब से ही डालिए कि आपको कौन से पौधे में डालना है। ज़्यादातर फ्लावर वाले पौधों में मैं इनको डालती हूँ, और बहुत ही अच्छे सुंदर कलर वाले फूल आते हैं इसमें। देखो, चाय पत्ती को भी इसमें मिक्स कर रही हूँ, और आपके पास में जो थोड़ा बहुत गोबर या गोबर का उपला वगैरह है, थोड़ा सा तोड़ के चूरा डाल सकते हैं इसमें आप, नहीं तो ये तीनों भी बहुत इनफ है। और तीनों को आप देखिए, मैंने कल गुड़ाई की थी, और गुड़ाई करने के बाद में थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो हम उसमें 8 इंच के पौधे में हम दो दो तीन तीन चम्मच जो डाल देंगे जड़ के पास में, और बाद में पानी दे देंगे। तो देखिए इसमें कोई स्मेल नहीं, बहुत खुशबू भी आ रही है। और ये देखिए, आपके एक हफ्ते के अंदर बर्ड्स आने लगेंगे, बहुत ही अच्छे खूबसूरत फूल खिलने लग जाते हैं। ये बहुत ही काम की कंपोस्ट है, और ये बिना खर्च से हमें मिली है, यानी कि जो वेस्ट हम फेंक देते हैं उससे हमने बनाई है। बाज़ार से लाएंगे तो एक पैकेट 100-100, 200-200 रुपए का एकदम छोटा वाला मिलता है हमें। तो हम ये घर से ही तैयार कर सकते हैं, और देखिए मेरी बगिया में कितने सुंदर सुंदर फूल आते हैं, और हमेशा सदाबहार ही रहते हैं, हमेशा फूल खिले ही रहते हैं इसमें। और वो उसकी वजह है यही, जितने भी छिलके वगैरह होते हैं मैं कंपोस्ट इन्हीं से बनाती हूँ, और बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए मेरे गुलाब है, सदाबहार है, हिबिस्कस है, ऐसे सारे प्लांट्स हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिलते हैं मेरे गार्डन में। तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।